हाय फ्रेंड्स, मैं पवन अग्रहरी और आप देख रहे हैं YCP इंग्लिश मंत्र यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं स्पीच ऑन गांधी जयंती। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को देरी ना करते हुए। तो शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो के नए अपडेट्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक। गुड मॉर्निंग टू रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स। सुप्रभात मेरे आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों। एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टुडे इज 2 अक्टूबर, आज 2 अक्टूबर है। दैट इज बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। सो वी आर हियर टू सेलिब्रेट गांधी जयंती, जो कि महात्मा गांधी का जन्मदिवस है। अतः हम लोग यहाँ पर गांधी जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। Myself पवन अग्रहरी राज, मैं पवन अग्रहरी राज, एंड ऑन दिस स्पेशल ओकेजन आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट महात्मा गांधी। इस खास अवसर पर मैं महात्मा गांधी के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन सर्वप्रथम आई वुड लाइक टू थैंक यू माई क्लास टीचर टू गिव मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लेकिन सर्वप्रथम मैं अपने कक्षा अध्यापक को यह सुनहरा मौका देने के लिए धन्यवाद कहता हूँ। द कम्प्लीट नेम ऑफ महात्मा गांधी वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, बट ही वॉज मोस्ट कॉमनली नोन एज बापू आर फादर ऑफ नेशन। लेकिन सामान्यतः वो महात्मा गांधी बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे। हु वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर गुजरात। उनका जन्म 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। हिज फादर्स नेम वॉज करमचंद गांधी। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। हु हेल्ड द पोजिशन ऑफ दीवान इन द स्टेट ऑफ राजकोट। जो राजकोट के दीवान थे, जो गुजरात में स्थित है, दैट इज सिचुएटेड इन गुजरात। हिज मदर्स नेम वॉज पुतलीबाई। उनके माता का नाम पुतलीबाई था। एट अर्ली एज ही वॉज सेम एज अदर चिल्ड्रेन। महात्मा गांधी बचपन में साधारण बच्चों जैसे थे। He was started schooling at 7 years. उन्होंने 7 वर्ष की आयु में विद्यालय जाना शुरू किया। The name of his wife was कस्तूरबा गांधी। उनके वाइफ का नाम यानी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। Whom he got married टू एट द एज ऑफ 13, जिनका विवाह गांधी जी से 13 वर्ष की आयु में हुआ था। आफ्टर कंप्लीटिंग मैट्रिक एंड कॉलेज स्टडीज ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर लॉ स्टडीज। यानी अपने हाई स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद वो लॉ की स्टडी करने के लिए इंग्लैंड गए। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ही कंप्लीटेड हिज लॉ स्टडीज एंड कम बैक हिज मदरलैंड। कुछ वर्ष बाद अपनी ला की पढ़ाई को पूर्ण करने के बाद वो वापस अपने मातृभूमि को आए। ही वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट हु स्ट्रगल्ड अलॉट फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया। गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे महान नेता थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए कड़े संघर्ष किए। ही स्टार्टेड द ग्रेट हिज हिस्ट्रिक मूवमेंट कॉल्ड द सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ महान और ऐतिहासिक आंदोलन भी शुरू किया, जिसे हम सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं। इन द ईयर 1942 ही आल्सो स्टार्टेड अनदर मूवमेंट कॉल्ड द क्विट इंडिया।
मूवमेंट एंड फोर्स्ड ब्रिटिशर्स टू क्विट आवर कंट्री। उन्होंने 1942 में एक दूसरा आंदोलन शुरू किया जो अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाया गया था, और उस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका उद्देश्य अंग्रेज़ों को भारत से भगाना था। इट्स मोस्ट पॉपुलर इन हिंदी दैट इज भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि हिंदी में अत्यधिक पॉपुलर है यानी प्रसिद्ध है भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से। अंडर हिज सक्सेसफुल लीडरशिप इंडिया वोन बैक इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। अंत में उनके सफल नेतृत्व में देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद किया गया, अतः अंग्रेज भारत छोड़ गए। आफ्टर इंडिपेंडेंस गांधी जी अंडरटूक अ ट्रिप टू नोआखाली विच वॉज बर्निंग विद हिंदू एंड मुस्लिम फाइट्स। उन आज़ादी के बाद गांधी जी नोआखाली ट्रिप पर गए यानी दौरे पर गए जहां हिंदू मुस्लिम लड़ाइयां चल रही थी। ही रिक्वेस्टेड एवरीवन दैट इज़ नेसेसरी टू लिव इन अ पीसफुल मैनर। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि हम सभी को आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, यानी हम सभी आपस में प्रेम पूर्वक रहे। बट अनफॉर्चुनेटली ही कुंट लिव विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम, पर दुर्भाग्यवश वो ज़्यादा दिन तक जीवित न रह पाए। ही डाइड ऑन 13 जनवरी इन 1948। उनका निधन 30 जनवरी 1948 में हुआ। ही वॉज एसिनेटेड बाई नाथूराम गोडसे। उनकी हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई। हिज मसोलियम इज सिचुएटेड एज राजघाट। उनकी समाधि राजघाट में है। इफ़ आई एम मिस्टेक्स देन फॉरगिव मी थैंक्स क्यू। अगर मैंने कोई गलती किया तो मुझे माफ़ करें, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे हम जल्दी मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।